हेलो एंड वेलकम एमएसआर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। तब तक दम करना है जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए। तो चलिए सपने को पूरा करने में थोड़ी आपकी सहायता करते हैं। क्लास 8 प्रश्नावली 11.2 प्रश्न संख्या 6 क्या बोलता है? आकृति में के एल एम एन एक समांतर चतुर्भुज है। मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें हम लोग को फाइंड करना है एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालना है। तो इसमें आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हल करते हैं। पहले ध्यान से अगर देख रहे होंगे यह वाला पार्ट्स और यह वाली पार्ट्स एक एकांतर कोण है। तो चूंकि एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं इसलिए y बराबर भी लिख सकते हैं, y बराबर 40 डिग्री या तो फिर एंगल m बराबर एंगल k, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है वो लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले। और यहाँ पे y का वैल्यू निकल चुका है, अब z का वैल्यू निकालना है। तो z का वैल्यू निकालने के लिए कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये है कि अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण होता है। दो इनके कोणों का योग बराबर बाह्य कोण होता है। तो चलिए उसकी सहायता से शुरू करते हैं। चूंकि अंतः कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोणों का योग, तो अंतः कोण यहां पे है एंगल एम प्लस एंगल के बराबर क्या हो जाएगा? एंगल एम प्लस एंगल के बराबर हो जाएगा, या ऐसे इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लीजिए, थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसको ऐसे कर दीजिए एंगल के एम एल, के एम एल, फिर एंगल एम के एल, एंगल एम के एल, ये बराबर किसका हो जाएगा? एंगल एम एल ओ का, एंगल एम एल ओ का। अब आसानी क्या पड़ेगा कि यहाँ पे के एम एल वाई है तो वाई लिख दीजिए, यहाँ एम के एल कितना है तो जेड है, इसका वैल्यू 70 डिग्री है। अभी आप ऊपर में निकाल चुके हो कि y बराबर 40 डिग्री है और यहाँ जगह z, ये क्या होगा 40 डिग्री उधर चल जाएगा समान पद की वजह से, इसलिए आएगा z बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, अर्थात z बराबर आया 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, दो निकल गया। अब तीसरा निकालना है x का वैल्यू। x का वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको हमको इरेज करना होगा। इस दौरान आपको ध्यान रखना है, आपको बताया है कि आसन कोण बराबर होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का वैल्यू निकल चुका है y z, अब x का वैल्यू निकालते हैं। चूंकि आपको पता है कि एक सरल रेखा के एल ओ, के एल ओ एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे बने हुए कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए हम लोग शुरू करेंगे एंगल एम एल के, या के एल एम भी कर सकते हैं, एंगल के एल एम प्लस एम एल ओ, एंगल एम एल ओ बराबर कितना? 180 डिग्री। और के एल एम तो निकालना है, एंगल के एल एम रहने देते हैं और इसके जगह पे 70 डिग्री बैठेगा, उधर
80 और त्रिकोण पूछ लिख करते, इसलिए एंगल के एल एम बराबर 180 डिग्री माइनस 70 तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री। ये वाली पार्ट्स निकल गया, ये कितना है 110 डिग्री। अब इसकी सहायता से x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, कि चूंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या क्या है हमारे एंगल एन बराबर किसका है, एंगल एल का, ये लिख सकते हैं, या तो फिर इसको ऐसे भाषा कर दीजिए एम एन के, एंगल एम एन के बराबर है किसका, एंगल के एल एम का, एंगल के एल एम का, बात दोनों बराबर है। एम के एम एन के का वैल्यू क्या है, एक्स है, इसका वैल्यू कितना लाए थे केल एम का, देखिए 110 लाया था अभी, तो आ गया एक्स का वैल्यू आपका 110। अगर आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं, अतः एक्स का अभिष्ट मान बराबर तथा वाई का अभिष्ट मान बराबर और जेड का अभिष्ट मान बराबर, तीनों का वैल्यू आप जानते हैं, लिख लीजिएगा फिर आंसर कर दीजिएगा। चलिए, अगर बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।